फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, क्योंकि इसमें दोस्तों आ चुकी हैं बम्पर वैकेंसियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आई नहीं है, आने वाले टाइम में आप सभी को ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेल मंत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि आने वाले टाइम में रेलवे में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहेगी, और फ्रेंड्स जो भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आपको आने वाले टाइम में जो भी वीडियो होंगी आरपीएफ को सबसे पहले यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीनियस में मिलेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी जानकारी दे दूं। दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने दोस्तों एसएससी जीड का एग्जाम क्लियर कर लिया है, मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर आप कौन सी बुक पढ़ते थे, बुक बता दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बुक है, सबसे अच्छी बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, इसको आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको आप ले सकते हैं अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ये बुक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं दोस्तों अपने नजदीकी किसी भी सेंटर से, वहां से ही बुक आपको इजीली दोस्तों मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस सेट का बुक भी आता है, उसको आप ले सकते हैं। यानी दो बुकों का कॉम्बो है, एक तो है स्टडी गाइड और एक है दोस्तों प्रैक्टिस सेट की बुक। तो इन दोनों बुकों को आप दोस्तों परचेस जरूर कर लीजिएगा, आपकी एसएससी जीडी के लिए काफी ज्यादा बेस्ट बुक यहां पर रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी खबर है भाई, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व इंस्पेक्टर के बन सकेंगी महिलाएं, आधी सीट मिलेंगी। दोस्तों, यहां पर 9000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा में रही थी। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के लिए रेल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। करीब 9000 पदों पर होने वाली भर्ती में इस बार आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जोधपुर, जयपुर, अजमेर व बीकानेर मंडल के लिए भर्ती उत्तर रेलवे के जिम्मे सौंपी गई है। फिलहाल जोधपुर मंडल में आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर पदों की स्वीकृत संख्या महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। रेलवे में 15 लाख कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या है, जिनमें से 12,23,000 कर्मचारी रोल पर हैं, जबकि शेष 2,82,000 पद खाली हैं। रेलवे में इन अगले 2 वर्षों में भरे जाने की घोषणा है। रेलवे के मुताबिक 2,30,000 पदों के लिए भर्ती अगले 2 वर्षों में पूरी की जाएगी। आरपीएफ के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू की जा रही है। दोस्तों, इसी माह यानी जो आपका आने वाला महीना है, इसी महीने दोस्तों आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे क्या ये भर्ती जोधपुर राजस्थान के लिए रहेगी? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, जोधपुर राजस्थान से ये न्यूज निकल के यहाँ पर आ रही है। तो अब आप बोलेंगे दोस्तों, ये न्यूज पुरानी भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर, ये न्यूज पुरानी भी हो सकती है क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखी है। मेरे दोस्त, देखिए, काफ़ी टाइम से बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ये जो न्यूज है ये फेंक है, ये न्यूज फेंक है। लेकिन नहीं दोस्तों, हाल ही में दोस्तों जो असनवी वैष्णव है, उन्होंने दोस्तों साफ साफ बोल दिया है कि रेलवे में बम्पर वैकेंसी आने वाली है आने वाले टाइम में। जैसे दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आप सभी को पता है, ग्रुप डी के एग्जाम को दोस्तों समाप्त होने के बाद तुरंत दोस्तों यहां पर आरपीएफ में वैकेंसी आप सभी के बीच में आ जाएगी। अभी फिलहाल आप सभी को पता है, रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी का दोस्तों एनटीपीसी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है। इन दोनों को जैसे दोस्तों समाप्त होने की आपको सूचना मिलेगी, तुरंत दोस्तों आरपीएफ का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि ये जो बातें आप सभी बोल रहे हैं कि सर ये फेक न्यूज है, वो है, तो इनसे आप थोड़ा ध्यान हटाइए। तो फ्रेंड्स, ये 9000 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, बिल्कुल दोस्तों ये आरपीएफ में आएंगी, क्योंकि भाई रेल मंत्री ने जब घोषणा की है तो बिल्कुल आएंगी। अब आप बोलेंगे सर, इसमें क्या योग्यता रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा, दौड़ कितनी रहेगी, एसआई प्लस सब इंस्पेक्टर, एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों के लिए बता दीजिए। तो चलिए वो भी बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होता है, आप सबसे पहले उसको देखिए, ये है दोस्तों ओनली किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, ठीक है? यहाँ पर आप हाइट देखेंगे तो आपकी हाइट जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों जो रखी गई है वो है 165 सेंटीमीटर। ये दोस्तों पुरानी वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये न्यू वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है, हो सकता है इस बार भी यही रहे, ठीक है? एससी एसटी की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रहेगी ओनली मेल के लिए, वहीं फीमेल की हाइट जनरल ओबीसी के लिए
157 सेंटीमीटर और एस सी एस टी के लिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों जो गोरखा वगैरह होते हैं जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो मेल की हाइट है 163 सेंटीमीटर है, वहीं फीमेल की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए चेस्ट जो है ओनली मेल के लिए है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो चेस्ट है ओबीसी जनरल के लिए 80 से लेकर 85 के बीच में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाप होना चाहिए। वहीं एससी एसटी के लिए अगर चेस्ट देखें तो 76.2 से लेकर 81.2 इनका जो है चेस्ट होनी चाहिए, इसमें भी आप देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाप इसमें भी मिलेगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों गोरखा वगैरह के लिए कोई छूट नहीं है, वहीं दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए है 80 से 85 सेंटीमीटर इनके लिए भी चेस्ट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और देखिए बात करेंगे दोस्तों पीएटी यानी दोस्तों आपकी रनिंग के बारे में, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 1600 मीटर रनिंग होती है दोस्तों मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। और कांस्टेबल फीमेल के लिए जो हाइट सॉरी इसमें रनिंग रहती है वो 800 मीटर रहती है, ना कि 1600 मीटर, ठीक है। तो इसके नीचे आप देखेंगे बॉक्स में 800 मीटर के नीचे लिखा गया है 3 मिनट 40 सेकंड इनको मिलेगी 800 मीटर की रनिंग को कवर करने के लिए, ठीक है। और इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी रहती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में रहती हैं ऐसे इसमें है। तो कांस्टेबल मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। वहीं दोस्तों फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो यहाँ पर आप देखेंगे 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एसआई के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होता है वो एसआई के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही सेम टू सेम रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया बस। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 और फीमेल के लिए 152। वहीं दोस्तों गोरखा वगैरह के लिए मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है और वहीं फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आप देखेंगे चेस्ट मेजरमेंट वही है 80 से 85, 76.2 से लेकर 81.2 तक, ये एससी एसटी के लिए, बाकी ओबीसी और जनरल और गोरखा वगैरह के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहता है, ठीक है। वहीं देखिए दोस्तों आप यहाँ पर रनिंग देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए दिखाई देगा, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर कवर करना होगा सब इंस्पेक्टर में, और वहीं दोस्तों 800 मीटर महिलाओं के लिए करना होगा 4 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप दोस्तों मेल के लिए सब इंस्पेक्टर में रहता है 12 फिट, हाई जंप रहता है 3 फिट 9 इंच। वहीं सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप रहता है 9 फिट और हाई जंप रहता है 3 फिट। तो ये सारी जानकारी आप सभी को मिल चुकी है। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ इसमें जो आपका कांस्टेबल का है, तो कांस्टेबल में तो आप 10th पास से जा सकते हैं, ठीक है, कांस्टेबल में 10th पास से, लेकिन इसमें आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, हो सकता है आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन रहा पहले भी रहा था जब वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी आप दोस्तों दोनों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है तो दोनों में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर एक ही टाइम में पड़ता है तो आपको ओनली एक ही पेपर देना होगा, वो आपकी जो मर्जी है उसमें आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी कब तक आएगी, मैंने आप सभी को बता दिया है कि अगले महीने से ये वैकेंसी आप सभी के बीच में आ सकती है, क्योंकि अगले महीने में दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम ग्रुप डी के समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर और भी कोई अपडेट चाहिए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आप सभी को इसकी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।